करोना मौत फड़ता है, मैं घर से बाहर ना निकलूं करोना। पापा डरा दियो। अरे यू टाइम तेरे सोने को है। ना पापा ना, यू टाइम तो मेरे स्कूल जाने को, तुम कहो तो मैं स्कूल जाऊं, वहां जाके अपने यार दोस्तन सो अपने मिलने वाले सो मिलूं, अरे ये कोरोना वायरस की बीमारी है अपने घर को लाऊं। जा चलो जा बाहर चलो जा, पुलिस लग रही है, पुलिस मारे मारे डंडान का हिंदुस्तान का नक्शा बना देगी तेरी कमर पे, फिर मम्मी मम्मी मत डक रही है चिल रही है। ए पापा नू बताओ, जब ये कोरोना वायरस एक दूसरे के छूने से हो जावे तो ये जो बाहर पुलिस वाले भीड़ समझा रहे हैं, लोग अन्य खानों दे रहे हैं, क्यों तो इनके भी हो सके। क्यों ना हो सके, खूब हो सके। तो पापा ये क्यों रिक्स ले रहे हैं, अपने अपने घर को जो चले जावे, जब सारे में वायरस फैल रहा है, खामखो अपनी जिंदगी का रिक्स ले रहे हैं। बेटा पुलिस डॉक्टर फौज नर्स सफाई वाले बिजली वाले ये सब अपने काम में छोड़ के जो अपने घर को चले जा, हमारे हाल पे हमें छोड़ के, तो यह वायरस का इतना बड़ा नुकसान बैठेगा, बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, जाकी भरपाई ना हो पाएगी। वे भी अपनी जान हथेली पे धर के हमारी जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो हमारे देशवासी अब भी ना सिमले अब भी ना समझे, तो दोबारा सिमलने का मौका ना मिलने का यह वायरस। जो अच्छे अच्छे देश बने हैं ना, अपने को नहीं समझे कि हम भी कुछ हैं, वे भी फेल हो गए वायरस से। ये तो हमारा देश ही है, जो पहले ही चौकन्ना होगा, पहले ही जो है अनुभव कर लियो, पहले ही सिमल गयो। पर कुछ अनसमझ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी ना समझ रहे, अब भी ना सिमल रहे। अगर ना समझे ना सिमले तो पछताएंगे, बहुत बड़ा नुकसान में जाएंगे। अपने अपने घरन में रहो, बाहर मत निकलो, हाथ धोते रहो, अपनी सुरक्षा रखो, एक दूसरे से दूरी बना के रखो, खाना कमाओ तो जिंदगी भर को। ना पापा ना, मैं घर में सुना लिखड़ू, मैं तो अपने कंबल ओढ़ के सोऊंगा सारे दिन, वो जगह ही बताना तुम। दूसरा दिन। ए उठा ले चेतराम की। तू टाली कर हलाने की, हम तो कोरोना ने पहले ही बतेरे हला रखे। तू कौन सा अकेला हिला रखा, इसने तो सारी दुनिया हिला रखी है। अरे मैं तो सुनू कर रहा हूँ फोन, मैंने नू सुनी अब के पेपर ना देने पड़ेंगे, बिना पेपर दिए ही अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, क्यों सच्चा कोई। हाँ ये बात तो सच्चा है। तो मैंने जो पेपर इनके मारे याद कर रखो वहा भूल जाऊ जोक्सू। हाँ भूल जा। फसी तो फसी, पर फंसा के भी कहा करूंगा, पड़े तो घर में कैद है। क्या सोच रहा है? ना ना मैं कुछ ना सोच रहा, मैं पूछ रहा तेरा टाइम कैसे कट रहा है ऐसे ना घर में। टाइम कहाँ कटे है यार, मैं तो पबजी खेलती रहूँ सारा दिन। पबजी? हाँ यार पबजी गेम। तू एक काम कर, अपनी आईडी सेंड कर दे मुझे, मैं तुझे ना रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। आईडी अभी मैंने बनवाई ना या क्या? आईडी जब बनवा लूंगा तो बता दूंगा। यह आईडी की बात कर रही है या छोटे से फॉर्म में कहां पबजा चल जाएंगे। और पापा ए पापा देखे मो एप्पल का फोन दिवा दे, पबजी खेलूंगा या मैं तो कुछ भी ना हो। यो एप्पल खाने को तो है ना, तो एप्पल को फोन दिवा दे। बताओ ऐसा ना मानोगे तुम। ओ पापा एप्पल को फोन दिवा दे, वो डाकी सिम बढ़वा दे। ओ पापा एप्पल को फोन दिवा दे, वो डाकी सिम बढ़वा दे। मैं तेरो इकलौता बेटा, देखियो मु है भी पबजी में लड़वा दे। ओ पापा ऐप पल को फोन दिवा दे, वो डाकी सिम बढ़वा दे। अच्छा अच्छा तेरा पबजी खेलने को मन कर रहा है,
अरे पबजी तो तो मैं ही खिला दूंगा। ओह नो रन। तीसरा दिन शाम 6:30 बजे। ओ बेटे फिर मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतरी आगरा का डन 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 डन। ओ तोपसी भी सलामी देख रहा कि डन डन। फिर मोदी जी पूछे करेंगे अमन कहाँ है। डन डन। अमन की मोटरसाइकिल यहाँ पीछे फंस रही है। फौजी भाई थोड़ा पीछे को कर लो अपना टैंकर से को। ओ मा करूंगा लिकड़ का डन डन डिक डिक डिक। साइड मत मार देना मोदी जी के हेलीकॉप्टर में। डर पैसा घूम कर नहीं लेकर मैं उतर का करूँगा डिग झिक डिग झिक डिग झिक। इनके से मोदी जी उतर का करूँगा धीरे धीरे। मैं मोदी जी के पैर छूंगा। मोदी जी कहेंगे जी तो रहा तू बना रहा भगवान तू बनाए रहा। फिर मैं क्या करूँगा मोदी जी जब कोरोना वायरस है कहूँ मिलेगा बताओ मैं साले बहुत मारूंगा। मोदी जी कहेंगे बेटा रुक जा तेनो कहावत ना सुनी चोर है ना मारकवा की माँ मारे। हम साले ची ना मारेंगे बेटा। ठीक है मोदी जी मैं चलो जा करूँगा अभी। फिर बैठ कहेंगे यहाँ रोक देख लूंगा अपनी यहाँ यहाँ मैं सुतर का भाग कर जा करूँगा ड्रोन लेंगे कल अपनी गाड़ी में बैठे करूँगा साइड में लगा देख लूंगा। अरे यू कहाँ हो रहा है। अरे भाई जब तो या उम्र में इन खिलौनों से खेलना हो तो फसल उठते हैं तो ये मोटरसाइकिल और ये साइकिल जो खरीदवा रखे क्यों खरीदवा वे ही ने इनसे ही खेल लेता। लॉकडाउन पापा लॉकडाउन। अरे 21-25 साल के लौंडा इन खिलौने इनसे खेलने को शौक चढ़ो पापा यू तक कोरोना वायरस को करो धरो। पर पापा यह वायरस सु छोटे बालकन के मजे आ गए। वो कैसे। वो ऐसे आ गए पापा मजे। देखो पहला फायदा तो नहीं होगा स्कूल जाने की टेंशन नहीं है। दूसरा फायदा पापा उन्हें यू होगो उनके पापा कदी तीज त्योहार कदी एतवार कोई घर में रह गए उनके गैल टाइम काटे। अब सारे दिन रात टाइम काट रहे हैं अपनी बालकन की गैल। और तीसरा फायदा पापा उन्हें यू होगो सारे दिन टीवी पे बैठ के वे कून आवे मोटू पतलू डोरेमोन नोबिता पोबिता अपने उन्हें देख रहे हैं और टाइम काट रहे हैं। भाई यू बात तो है बेटा पर 60 साल 65 साल से जो ऊपर के है ना उनको ज्यादा खतरा है वायरस। यू बात तो ठीक कह रहे हो पापा बड़े बूढ़े इनको यह वायरस सु ज्यादा खतरा। पर पापा यह वायरस के आने से पहले कुछ बड़े बूढ़े कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जिनके औलाद ब्याह होते ही अपनी बहुए लगा कर बगल में और शहर भाग जावे अपना नयो घर बसाने को। और मजे की बात तो यू है पापा वे माँ बाप जीते जीते अपने बालकन की राह देख है ये मरते टाइम भी इंतजार करवावे ये औलाद। जब पड़ोसी इनसे कहवे ना भैया दाग लगाओ तो पता हो कहा कहवे भैया अभी छोटा लौंडा ना आयो वो शहर रह वे वो आएगा जब दाग लगेगा। पर पापा या कोरोना वायरस को ऐसो हंटर चलो जो औलाद अपने माँ बाप ने छोड़ कर शहर भागी ना नयो घर बसाने को अपने बालकन ने लेके कंधान पे समान की पोटली बांध कर धर के टॉट पे उल्टे भाग रहे अपने उन्हीं माँ बापन धोरे को। बेटा अमन तू कह तो ठीक रहे हो पर ये बड़े बूढ़े कहा करें। एक और तो बालकन के आने की खुशी दूसरे या वायरस को डर। परमात्मा पर रहम ही करे भैया कैसे जान बचेगी आसु। हाँ जी बोलो। हाँ भैया हो कुछ चालू। हाँ हाँ हो भाई मेरी सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि अपने घर में रहो। कैसे कैसे पूरी वीडियो में तो यही मैसेज दियो अब कुछ और बोलो। और कहा बोलूं तू बता दे। मैं बोलूं पर आकर। अरे वो ये बता दे मैं बोल दूंगा। वही लाइक पाइक को कह दो थोड़ा। अरे भैया जहां तक भी समाचार जाए सुरक्षित रहो और आप समाचार पापा वीडियो को कहो वीडियो लाइक कर दियो। भैया वीडियो है भैया ज्यादा से ज्यादा लाइक करियो जहां तक भी पहुंचे। और पहुंचाएंगे तो यही नुक शेयर कर दीजो भैया शेयर कर दीजो और कमेंट जो भी भेजनी है वो भेजते रहिए। सब्सक्राइब और एक बार कर दीजिए नुक सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब भी कर लीजिए भैया। ऐसे हाथ जोड़ के सभी देशवासियों से मेरी यही प्रार्थना है और घर में रहो सुरक्षित रहो। ठीक है भाई। भैया मैं कैमरा चला रहा हूँ क्या करूँ मजबूरियाँ समझ रहे होंगे कर दीजिए लाइक अपने हिसाब से ना। हाथ हटा लो भैया। अब मैं उतरने देख लो रोमन आ रही है चलो देख लो।